आइसोप्रोफिल को स्प्रिट भी कहते हैं। इसे बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शन को दूर किया जा सकता है। इसको कॉटन में डिप करके और इफेक्टेड एरिया पर रब करने मात्र से ही वहां का संक्रमण खत्म हो जाता है। ड्रेसिंग करते समय सबसे ज्यादा स्प्रिट का ही प्रयोग किया जाता है उस इफेक्टेड एरिया को साफ करने के लिए। और ये एक प्रकार का सैनिटाइजर भी है, लेकिन इसमें अल्कोहल की मात्रा तो होती है, लेकिन इसे पिया नहीं जा सकता है। ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जरूर ये है सैनिटाइजर। लॉकडाउन के बाद सैनिटाइजर बहुत ज्यादा डिमांड में है, और सैनिटाइजर बनता है रबिंग अल्कोहल यानी स्प्रिट से। स्प्रिट का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है क्लिनिक पर और हॉस्पिटल में। इसे आइसोप्रोफिल भी कहते हैं, इसे एथनॉल भी कहते हैं। रबिंग अल्कोहल के नाम से बहुत ज्यादा मार्केट में प्रचलित है। तो आज हम इसी का भंडाफोड़ कर रहे हैं। हमारे नजदीकी मार्केट से इसे मंगाया गया है, और यूज करने से पहले इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर देखना बहुत जरूरी होता है। तो हमने भी देखा, दिक्कत ये आया इसमें कि ये पहले से एक्सपायर था, और किसी ने एक स्टिकर लगाया और उसका डेट बढ़ाकर मार्केट में बेच दिया है। तो इसे आप देख सकते हैं, इसका है अक्टूबर 2022, लेकिन यहाँ पर एक स्टिकर लगा है। इस स्टिकर को हटाने पर, सॉरी, इस स्टिकर को हटाने पर ये देखे पूरा स्टिकर हट जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2021, पिछले साल ही एक्सपायर हो चुका है। तो आप कस्टमर हैं, आप उपभोक्ता हैं, अगर इस तरीके से आपके साथ हो तो सतर्क रहें, सावधान रहें। कभी भी इस तरीके के स्टिकर लगे हुए प्रोडक्ट कभी ना खरीदें। आप जरूर ध्यान दें, छोटी छोटी बातों से आपको काफी हान से बचत हो सकती है। बने रहिए मेडिसिन माइक के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बृजन मौर्या। आप मेडिसिन माइक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ये बेल वाला नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिए, जिससे हर वीडियो की जानकारी मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार।